ये देखिए भगवान की शाम की आरती हो गई है। ये देखिए कितने आराम से लेटे हुए हैं। इधर क्या है ठंडक। ये देखिए लग गई लंच की थाली, आलू बैगन टमाटर की सब्जी, आम का पन्ना है। लीजिए दोस्तों तैयार है करारा करारा नमकीन। लीजिए आ गई करने ब्लॉग के साथ। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इधर क्या है, मैं लाई तल रही थी, लाई मखाना इनके लिए ब्रेकफास्ट को। ये मूंगफली तल के रख लिए तो इसी में डाल देंगे। और इधर चाय चढ़ी हुई है तो चाय दे देंगे और लाई मखाना का नमकीन दे देंगे ये। और ये दूध रखा है, दूध आ गया था तो अभी बॉइल करने रखना है। अभी फिर पूरा काम डला है, सब काम करेंगे फिर इसके बाद नहाएंगे। तो सोचा चलो यही लाई मखाना तल रहा है, यही अपने दोस्तों से मुलाकात भी कर लेते हैं। आ जाइए दोस्तों आप लोग भी मॉर्निंग का ये लाई मखाने का ब्रेकफास्ट करने के लिए। क्या है, मखाना शुगर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मखाना भी डाल देते, कभी कभी खाली मखाना भी दे देते हैं इनको। इसी तरह तल के ये मूंगफली डाल दे रहे हैं अब इसमें। बस ये मूंगफली लाई मखाने का नमकीन तैयार हो गया। करी पत्ता डाल दिए थे, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च तोड़ के डाल दी थी। लीजिए बढ़िया सा करारा नमकीन तैयार हो गया। लीजिए दोस्तों तैयार है करारा करारा नमकीन। लीजिए दोपहर का लंच तैयार हो गया, हमने भी खा लिया, इनके लिए थाली लगा दी। अब चलते हैं नीचे क्योंकि बहुत गर्मी है। दोस्तों देखिए किस तरह बाल बांध दिए, पूरे कस के बांध बांध लिए हैं क्योंकि गर्दन में लगे रहते ना तो बहुत गर्मी लगती। ये देखिए लग गई लंच की थाली, आलू बैगन टमाटर की सब्जी, आम का पन्ना है और सलाद रोटी। बस गर्मी में तो ये लगता कितनी जल्दी खाना बने और नीचे भागे। ये देखिए नीचे आए हैं तो तीन साड़ियां पीको को रखी हैं, एक ये, एक ये, ये, ये देखो मां जैसे कूलर की हवा में बैठे थे। जाओ खाया खाना, हम गर्मी में सड़के आ रहे। काय किचन में कितनी भयंकर तो गर्मी रहे, पंखा से लपट लगत और गैस बजने बजन लगत। जाओ खाना खाया, थाली लगा आए। चलिए इनकी साड़ी में पीको कर दें फिर ब्लाउज काटेंगे। ये देखिए तो ये तीन साड़ियां नहीं है, छह साड़ियां थी तो छह साड़ियों में दो साड़ियों में तो दोनों तरफ पीको होना था, और जो तीन चार साड़ियां थी उनमें एक एक साइड, क्योंकि एक साइड लेस लगी रहती। तो आजकल तो ज़्यादातर साड़ियों में एक ही साइड पीको होती है, एक साइड लेस लगी रहती या कुछ डिजाइन वगैरह होती है। तो क्या है इनके जो पल्लू होते हैं दोनों साइड के, तो किनारी मतलब पल्लू का है को किनारी, तो उसको एक जैसा मिला के करना पड़ता है। तो वही खोल खोल के देख रहे थे, तो जिनकी एक से थे किनारे उनको साइड में रख दे रहे थे, जिनके नहीं थे तो उन्हें बिछा के एक बराबर से और फिर कटिंग करके एक सीध में मिला के कटिंग कर रहे थे ताकि एक बराबर हो जाए। तो देखिए इस साड़ी में नहीं थे तो इसको काटे ले रहे, जिन साड़ियों में बराबर थे उनको साइड में कर दिया है। फिर इधर आ गए हैं पीको मशीन में, तो छह साड़ियों में पीको करेंगे, पीको करके रख देंगे, फिर इसके बाद घरी कर देंगे, फिर शाम को वो आएगा तो उठा ले जाएगा अपनी साड़ियाँ। फिर इसके बाद ब्लाउज डले हैं तीन जो दोपहर में आए थे, तो ब्लाउज कटिंग करेंगे, खाना पीना खा के आ जाते हैं, फिर अपना बस दुकान में बैठ के यही काम करने लगते। जैसे थक गए तो आराम कर लिया थोड़ी बहुत नीचे ही, क्योंकि ऊपर तो इतनी भयंकर गर्मी लगती है कि खाना बना के ये लगता कब के नीचे भागें। तो बस पर नीचे आ जाते तो आराम करना हुआ, तो वहीं नीचे कूलर भी लगा है, फैन भी, लेकिन अभी इस टाइम तो कूलर पंखा सब फैल है गर्मी के आगे, इतनी भयंकर गर्मी लगती है। ये देखिए पीको कर दे सभी साड़ियों में, फिर इन साड़ियों को इस घरी करके रख देंगे एक साइड। तो इधर क्या है, मशीन परेशान कर रही थी बहुत, धागा तोड़ रही थी बार बार, तो मुझे पर पीको करने में करीब आध पौन घंटा लग गए थे, क्योंकि जितनी साड़ियों में छह साड़ियों में पीको होना थे उसकी जगह दस साड़ियों में बराबर टाइम लग गया था मुझे पीको करने के लिए, पता नहीं क्यों तोड़ रही थी। ये देखिए सभी साड़ियों में पीको हो गया है,
अब लाए हैं इधर, तो कूलर चल रहा तो बहुत घरी करने में परेशानी आ रही थी साड़ियों में, लेकिन कूलर भी बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि कूलर बंद कर देती तो बहुत गर्मी लगती। इस वजह से कूलर चालू रखा और जैसे आड़ी टेढ़ी जैसे घरी करते बनी घरी करके उनकी रख दी, क्योंकि मिलना तो थोड़े से पैसे हैं और इतना घरी खोलो कटिंग करो फिर उसको पीको करो फिर घरी करके रखो उनके कपड़े। वो लोग कह देते अरे वाह एक साइड के मैं 10 रुपये लेती हूँ, दोनों साइड के 20 रुपये, तो लोग इस तरह बोल देते। तो लगता बताइए इतनी मेहनत करते हो पैसों का कोई मूल्य नहीं है। 4:30 बज गए हैं, चलिए जाते ऊपर चाय बना कर लाते हैं। ये देखिए कितने आराम से लेटे हुए हैं, इधर क्या है ठंडक लगती है ना, तो यहीं तक ये रख लेते और कुछ बिछा लेते और सो जाते। उठो हम चाय बना के ला रहे, साइड दो मुझे निकलने के लिए। मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी दुकान में क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी लगती, तो दोपहर भर यहाँ नहीं रहते, दुकान चले जाते वहीं थोड़ी देर रेस्ट कर लेते। तो साड़ियों में पीको वगैरह किया था, फिर ब्लाउज निकाल लेते काटने को, फिर नीचे काटे थे, फिर थोड़ा सा लेट गए थे, फिर उठे तो अब चाय बना ले। हाँपी बनने लगी, सीढ़ियाँ चढ़ के आए तो बहुत तेज, जैसे सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ लेते ना तो फिर तुरंत नहीं बोल पाते, हाँपी बनने लगती एकदम। चलिए दोस्तों चाय बना ले फिर चले नीचे। ये देखिए उन साड़ियों प्रेस पीको करके रख दिया, फिर उन जो 3 ब्लाउज आए थे ना मॉर्निंग में वो सिलने बैठ गए थे, तो काट रहे थे मतलब सिल नहीं रहे थे। इतने बीच एक जनाई तो वो 3 ब्लाउज और इस साड़ियों फॉल पीको को डाल गई, तो बोल रही थी ये साड़ी में लेस लगाना है, तो बोली लेस कितने की पड़ेगी, हमने कहा 80-90 रुपये की मान लो 6-7 मीटर लेस पड़ेगी सस्ती वाली, और फिर कम से कम 150 रुपये लगवाई लगेगी, तो तुम्हारी 200-250 की साड़ी और 200-250 तुम उसमें दोगी तो तुम्हारी साड़ी तो महंगी पड़ जाएगी। तो बोल रही थी लगा देना, हमने कहा देख लो फिर लगवा लो, फिर उनके हस्बैंड ने मना कर दिया था, बोले नहीं लगवाना लेस रहने को, तो बोली फोन लगा देना पीको कर देना। तो फिर उनकी साड़ी डाल ली थी, तो क्या कॉपी में नाप लिख लिया था और नाप भी ले ली थी, तो वही पॉलीथिन में डाल के रख देते कपड़े और नाम लिख देते जिसका होता, तो वही नाम लिख रहे थे और पैसे डाल देते तारीख डाल देते और कॉपी में भी डाल रहे थे तारीख वगैरह किस तारीख को उनकी देना है। तो वही साड़ी तो हमने कहा सीजन लग गया है ना, तो अगले महीने से सीजन शुरू हो जाएगा शादी ब्याह का, तो इस वजह से सिलाई थोड़ी ज़्यादा आने लगेगी। अब तो ये बोल रहे थे अगले महीने शादी नहीं है, तो कैलेंडर देख रहे थे कि अगले महीने नहीं है, जुलाई से है शादी, अभी 1 महीने का गैप और रहेगा। तो देखिए ये कैलेंडर देख के बता रहे हैं, और इधर हमने अपना ब्लाउज काटना शुरू कर दिया, तो ये पिंक वाला ब्लाउज अस्तर वाला ब्लाउज है, एक गोल्डन अस्तर वाला था, तो वो दोनों काट के रख देंगे, तीनों ब्लाउज काट देंगे। तो देखिए तारीख दिखा रहे थे कि कितनी तारीख से शादियाँ फिर से शुरू होंगी, तो जून में तो नहीं है, जुलाई से शुरू होंगी फिर से, तो ये देख रहे हैं और हम इधर अपना काम कर रहे हैं। तो ये पिंक वाला कट गया था, फिर ये ब्लू वाला, ये भी सादा बन, गोल्डन तो सिल गया है, तो नहीं मतलब गोल्डन भी काट दिया पिंक भी काट दिया, अब ये ब्लू कलर का सादा बनाना है, तो इसको भी काट रहे हैं नाप ले रहे हैं। तभी देखिए कस्टमर आ गए, कुछ सामान चाहिए उनको, तो ये दे रहे हैं उनको सामान, हैं गांव के ही हैं। तो अब हम देखिए अपना ब्लाउज काट के ये वाले भी रखते हैं, फिर सिलना स्टार्ट करेंगे, तो जितना सिल जाएगा सिल जाएगा। ये देखिए गोल्डन वाला ब्लाउज सिलने लगे हैं अस्तर वाला, तो अब जितना सिल पाएंगे सिल देंगे। पहले तो मुझे सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब करने का शौक शुरू से था, आती थी आड़ी टेढ़ी जैसी बनती थी, लेकिन कोशिश करते थे कि मुझे भी सिलाई आने लगे। मुझे बहुत शौक है, हर चीज़ सीखने का शौक है आज भी, लेकिन अब टाइम नहीं है मेरे पास, बस यही प्रॉब्लम है। तो क्या करते थे हम, जो पुराने कपड़े होते थे ना उनके ब्लाउज कटिंग करते थे, देखते थे, सिलते थे। उस टाइम तो यूट्यूब भी नहीं था कि चलो कोई चीज़ उसी से सीख लो, बस अपने मन से कटिंग करते रहते थे, सिलते रहते थे अपने घर के किसी के भी, और बिगाड़ भी देते थे, बिगड़ जाते थे फिर उनको सही करके फिर सिलने लगते थे। फिर एक आध बार कॉलेज में भी बताया गया था,
थोड़ी बहुत वहाँ का आइडिया था, फिर पापा से बोला हमें सिलाई सीखना है, तो पापा ने फिर छतरपुर गए 8-10 दिन को, तो वहीं एक मतलब टेलर था तो उससे बोला, तो वो सिखाने आए थे, तो 6-7 दिन वहाँ सीखी थी। फिर कहते कोशिश करने से सब कुछ आ जाता है, तो बस धीरे धीरे सीख गए। ये देखिए दोस्तों आ गए ऊपर, शाम की कितनी बज रही है, 8 बज रहे हैं, तो हाथ मुंह धोले, अब भगवान की आरती कर दे, प्रसाद लगा दे, तो फूल बत्ती अभी खत्म है, तो ऐसे रोज की बना के अभी रख देते दीपक, फिर बना लेंगे फुर्सत में। ये देखिए भगवान की शाम की आरती हो गई है, अब बस दूध का प्रसाद लगा दे रहे, क्योंकि शाम को भगवान को दूध का प्रसाद लगाते हैं, तो चलिए प्रसाद लगा दे, फिर देखते हैं खाना में क्या बनना है।